नमस्कार, जर्नी ऑफ एक्टिंग में सभी का स्वागत है। मैं याद दिला दूं कि पिछली बार हमने रस का चैप्टर डिस्कस किया था और नवरस के बारे में एक सरसरी बातचीत की थी। तो आज की क्लास में एक सवाल से करता हूं, जो भावना नाम की स्टूडेंट ने एक सवाल किया है कि मैं टेक्स्ट जब पढ़ती हूं तो मैं रीडिंग तो ठीक कर लेती हूँ लेकिन मेरे आंखों से एक्सप्रेशंस नहीं आते। अब देखिए, ये जो क्राफ्ट है एक्टिंग का, इसमें एक्सप्रेशंस ही सब कुछ है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम अच्छी रीडिंग कहते हैं, क्लियर वॉइस कहते हैं, बॉडी के जरिए भी एक्सप्रेस करने की बात करते हैं। लेकिन अगर किसी के मन में ये ख्याल आता है या उसे काम करते वक्त कोई डायरेक्टर या टीचर ये कहता है कि आपकी आंखें एक्सप्रेसिव नहीं हैं या आपकी आंखें एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, तो स्टूडेंट को ये देखना होगा पहले तो कि जब वो रीड कर रहा है, ड्यूरिंग रीडिंग ही टेक्स्ट में जो इमोशन छिपा है, अंडरलाइंड है, पहले वो डिस्कस करे अपने टीचर के साथ या डायरेक्टर के साथ, फिर उसको लाने की कोशिश करे। उसको कोशिश करनी पड़ेगी और सिर्फ आंखों से ही नहीं कोशिश की जाती है, पूरे चेहरे से कोशिश की जाती है, पूरे बॉडी से कोशिश की जाती है। हाँ, चेहरे में आंख हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और नोटिसेबल एरिया है और ये भी कहा जाता है, ये भी मानी हुई बात है कि पहले आंखें बोलती हैं, फिर चेहरा बोलता है और फिर आपकी बॉडी भी बोलती है, या सब साथ साथ ही चलते हैं। तो ये जो रस का चैप्टर है, ये आपको अच्छे से समझना होगा और इसका अभ्यास करते रहना होगा। इससे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो आपको करनी होंगी। उसमें आपको शीशे के सामने बार बार अपने चेहरे के जरिए श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, इस तरह की अभिव्यक्ति का अभ्यास करते रहना होगा। तो आपका चेहरा और फ्लेक्सिबल होगा, आपकी आँखें भी बोलना शुरू करेंगी आफ्टर एटलीस्ट प्रैक्टिस ऑफ 1 or 2 months। इससे जुड़ी हुई जो एक्सरसाइज है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ अपने एक स्टूडेंट के जरिए, महेंद्र त्रिपाठी। तो वो अपने इन नौ रसों को चेहरे के जरिए, जिसमें आंखें भी शामिल हैं, आपके सामने एक परफॉर्मेंस रख रहे हैं। तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा आराम से रिकॉर्ड किया है ताकि आप बारी बारी से एक रस और दूसरा रस, तीसरा रस, चौथा रस, इसको कैसे अपने फेस पे लाते हैं, ये बहुत स्लोली डेमोंस्ट्रेट किया गया है इनके जरिए, महेंद्र त्रिपाठी के जरिए। तो देखिए इसको। पहला रस श्रृंगार, दूसरा रस करुण, तीसरा रस हास्य, चौथा रस वीर, पांचवा रस रौद्र, छठा रस अद्भुत,
सातवां रस भयानक। आठवां रस विभत्स। नौवां रस शांत। हाँ, तो ये आपने देखा नवरस का प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट महेंद्र त्रिपाठी। तो भावना, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देते हुए यही कहूँगा कि इसी तरह से आप इन नवरसों का अभ्यास करें और देखेंगे आप धीरे धीरे आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो शीशे के सामने या फिर कैमरे से ही आप अपने इन नवरसों की जो ये एक्सरसाइज अभी आपने देखी, इसको रिकॉर्ड कीजिए और खुद ही जज कीजिए। आप पाएंगे कि आप हर फर्दर रिकॉर्डिंग में आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अपने आप को पुश करना पड़ता है। तो इस तरह से ये नवरस की एक्सरसाइज के जरिए आप अपनी उस कमी को दूर कर सकती हैं जिसमें आपने कहा था कि रीड करते वक्त आपके आईज, आपकी आंखें बोलती नहीं है। तो वजह यही है कि आप उस तरह से रस में इन्वॉल्व नहीं है। रौद्र रस में इन्वॉल्व हो जाएंगी तो अपने आप ही आंखें बोलेंगी। श्रृंगार रस में उसी तरह से आंखें बोलेंगी, हास्य रस में वैसे ही आंखें बोलेंगी। तो इस तरह से वो जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर मौजूद जो रस है, पहले उसको आइडेंटिफाई करिए, समझिए, फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास करिए। आइए अब बात करते हैं हम नवरसों में से एक दो रस को आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला रस है श्रृंगार रस। इसे रसों का राजा भी कहा गया है, रसराज भी कहते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये स्त्री पुरुष के प्रेम को लेकर है, मैन वुमन लव को लेकर ये रस कनेक्टेड है। तो यहां ये जिक्र करना जरूरी है कि जो फैन की अवस्था में हैं, प्रशंसक हैं, उन्हें अपने आप ही ये क्लियर हो जाता है कि वो रसों की जो अभिव्यक्ति जब पर्दे पे वो देखते हैं, सिनेमा पे, टीवी पे या इवन लाइव थिएटर पे, तो जो रस क्रिएट किया जा रहा है आर्टिस्ट के द्वारा वो उन तक पहुंचता है। चूंकि पहुंचता है इसीलिए अच्छा लगता है। लेकिन ये रस को पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, वो जो आर्टिस्ट जिस तरीके से इसको पहुंचाता है, वो समझना जरूरी है। पहले बुद्धि के लेवल पे समझना है, फिर उसको क्राफ्ट के जरिए क्रिएट करना है। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे ही आप फैन से, प्रशंसक से, अब एक एक्टर बने हैं, एक आर्टिस्ट बनने की ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्या क्रिएट करने जा रहे हैं। अचानक कुछ क्रिएट नहीं होता है, तुक्के से आर्ट नहीं बनता है, वो कॉन्शियस एफर्ट से ही बनता है। तो पहले रस को समझते हैं, इस रस को, श्रृंगार रस को समझते हैं कि ये कब और कैसे क्रिएट होता है। देखिए, रियल लाइफ में सभी लोग अनुभव करते हैं, लेकिन उस रियल लाइफ में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं जिससे रस क्रिएट होता है। तो श्रृंगार रस में आपके सामने दो कैरेक्टर्स होंगे, एक लड़का एक लड़की, एक प्रेमी एक प्रेमिका। इनिशियल डेटिंग में रस क्रिएट नहीं हो सकता। इनिशियल डेटिंग में आप सिर्फ एक दूसरे से परिचित होते हैं या थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। फिर जब फर्दर डेटिंग होती है तब वो जो नजदीक आना है उसमें फिजिकैलिटी भी शामिल होती है। और अगर यहाँ भी आपकी ट्यूनिंग जम रही है एक दूसरे के साथ तो और डेटिंग बढ़ जाती है और फिर आप थोड़े और समझते हैं और हो सकता है कि आप इस नतीजे पे पहुँचे कि हाँ, हमें जीवन भर साथ रहना है या हमें एक सीरियस रिलेशनशिप में रहना है। तो जब आप इस तरह का फैसला लेते हैं कि आप एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं और रहना चाहते हैं, चूँकि आपके बहुत से एरियाज में
तालमेल है, और खासकर ये जो श्रृंगार का एरिया है इसमें भी तालमेल है। इसमें तालमेल है तभी दूसरे एरिया में तालमेल आता है। जनरल बात तो यही है, जब आप खुद अपना पार्टनर सिलेक्ट करते हैं तब असली तालमेल इस एरिया में आता है, तब दूसरी चीजें देखी जाती हैं या देखना शुरू की जाती है। तो यहां पे जब आपकी एक सीरियस रिलेशनशिप की एक मेंटल कमिटमेंट हो गई है और आपका रेगुलर मीटिंग हो गया है, और अब एक नई परिस्थिति आती है कि किसी कारणवश आप दो अलग शहरों में चले गए, फिजिकल डिस्टेंस बढ़ गया, अब या तो डेंजर की बात यह है या तो रिलेशनशिप डिफ्यूज हो जाएगा, या अगर रिश्ता गहरा है तो उसमें कुछ गहराई है तो ये दोनों लोग बाधाओं को चीरते हुए उस लॉन्ग डिस्टेंस को, उसके बैरियर को क्रॉस करते हुए एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे। और जब आप एक एफर्ट करते हैं इस तरह से, तब नेचर भी कभी कभी साथ देती है। वैसे तो रस के प्रोडक्शन में नेचर हमेशा साथ देती है, बारिश का मौसम है, आषाढ़ के दिन है, तो पूरा कॉस्मोस बोलो या पूरा क्लाइमेट ऐसा हो जाता है कि आपके मन में उस तरह के भाव आने शुरू होते हैं जिन्हें हम रोमांटिक फीलिंग्स कहते हैं। और उस दौरान जब आप अपने पार्टनर से मिलने जाते हैं तो हृदय में जो होता है, वो जो फील है, उससे ही श्रृंगार रस जन्म लेता है, या उसी को हम श्रृंगार रस कह सकते हैं। फिर यही चीज जब आप मिल लिए, फिर अलग हो गए और अपनी मेमोरी में उसको रिपीट करते हैं कई बार, तो फिर से वो रस क्रिएट होता है। वो आपके अंतस में तो है, तो अब कभी कभी फिर से वैसा मौसम आता है तो एक फिर से दिल में वैसी ही चाह, वैसी ही उमंग, वैसी ही ख्याल, वैसे ही मनोभाव उत्पन्न होने लगते हैं, और आपको लगता है कि काश मैं उसके साथ होता या वो मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। तो ये जो फील है यही श्रृंगार रस की वजह से होता है। तो फीलिंग के लेवल में तो हम समझते हैं, रियल लाइफ में इस तरह से ये रस आता है। अब इसको हमें एक एक्टर के रूप में, एक आर्टिस्ट के रूप में अपनी बॉडी से, अपनी वॉइस से और अपने भाव भंगिमाओं से दिखाना है। तो श्रृंगार में आपकी भाव भंगिमाएं कैसी होंगी, आपके चेहरे का मनोभाव कैसा होगा और आपकी आवाज में क्या परिवर्तन आएगा, इसको लेकर एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। हमारी एक स्टूडेंट है सुप्रिया, उसकी इस परफॉर्मेंस को देखते हैं और श्रृंगार रस कितना अफेक्ट कर रहा है और श्रृंगार रस कैसे क्रिएट किया जाता है, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। आज फिर पूर्णिमा की चांदनी छाई है, तुम यहां नहीं हो, और मुझे याद आ रहा है वो दिन जब तुम और मैं ऐसी ही चांदनी रात में इसी बीच पर साथ साथ थे। उस दिन भी चांद ऐसा ही था, आकाश में थोड़े थोड़े बादल तैर रहे थे, मुझे एक बादल के टुकड़े में तुम दिख रहे थे और तुम्हें भी एक टुकड़ा मेरे चेहरे से मिलता जुलता दिख गया था। याद है कैसे पहले तुम पानी के अंदर आने से मना कर रहे थे, पर मेरी जिद के आगे तुम हार गए। पांव का पानी से टकराना मुझे खूब अच्छा लगता है। उस रात जब हम पानी के साथ खेल रहे थे, याद है कैसे घोड़ा दौड़ाते हुए तेजी से दो लोग हमारे नजदीक आकर खड़े हो गए थे, पास के झुग्गी झोपड़ी के ही थे शायद, और हमसे कह रहे थे घुड़सवारी करने को। मैं डर गई थी और कसकर मैंने तुम्हें पकड़ लिया था। थोड़ा तो तुम भी डर गए थे, लेकिन हिम्मत से काम लेते हुए तुमने उन दोनों से बातचीत की। वो कुछ पैसे कमाना चाहते थे हमें घोड़े की सवारी करा के, पर तुमने मना कर दिया और वो चले गए। वो पल मुझे अब भी याद है, दूर जाती हुई घोड़ों की टापों की आवाज, खुला आकाश, चांदनी रात और तुम्हारी बाहों में मैं, उस पल ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ ठहर गया हो, मैं, तुम, आप
आकाश, बादल, चांद, समुद्र, जैसे सब एक हो गए हो। हम सब जैसे किसी रहस्यमय जगत के रहस्यमय हिस्से हो। उसके बाद हम दोनों रेत पर नंगे पांव चलने लग गए थे। बहुत ही मजेदार दृश्य था। दो अलग अलग पैरों के निशान रेत पर साफ दिखाई दे रहे थे। तुम तेजी से चल रहे थे और मुझसे कह रहे थे, आओ आओ मेरे बनाए हुए निशान पर चलो। और याद है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था, थोड़ा धीरे चलो, कहीं गलती से मैं किसी दूसरे के पैरों के निशानों पर ना चलने लग जाऊं। तुम रुक गए और खुशी के मारे तुमने मुझे उठा लिया था। तो ये था श्रृंगार रस का एक डेमोंस्ट्रेशन। तो मेरा मकसद ये था कि आप अपने निजी जीवन में पहले इस रस को आइडेंटिफाई करें, इस रस से कनेक्टिविटी हासिल करें और उसको अपने मेमोरी बैंक में रखें। ये एक्टिंग के ट्रेनिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको हर भावना, हर फीलिंग, हर इमोशन अपने मेमोरी बैंक में रखना है, ताकि वहां से आप जब जरूरत पड़े, जब इसकी रिक्वायरमेंट हो, तब आप इसको बार बार निकालें। और वो अभ्यास से ही होता है। वो एक बार रख दिया, फिर आप दुनिया भर में दूसरे काम कर रहे हैं तो वो रिप्रोड्यूस होगा नहीं। तो आपको ऐसे मोनोलॉग लेने पड़ेंगे, जैसे अभी आपके सामने मोनोलॉग है, ये आपके सामने एक ऐसा मोनोलॉग है जिसके जरिए आप कॉन्शियसली लगातार कोशिश करते रह सकते हैं रस को क्रिएट करने की। तो मेरे ट्रेनिंग सिस्टम में ये जितने भी मोनोलॉग्स हैं, ये सभी स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए है कि कैसे एक एक मोनोलॉग से एक एक पर्टिकुलर रस क्रिएट होता है। तो चूंकि हम मोनोलॉग्स आपके सामने डेमोंस्ट्रेट करते ही हैं, तो आज एक और मोनोलॉग आपके सामने रखता हूं। इसमें हालांकि आधा पार्ट श्रृंगार रस का है और आधा वीर रस का है, लेकिन दोनों रस का कैसे एक कॉम्बिनेशन है इस मोनोलॉग के जरिए, जो काम यानी डिजायर को लेके, हर व्यक्ति के मन में डिजायर है और उस डिजायर को लेकर ही ये लाइंस लिखी गई हैं। पहले फर्स्ट हाफ इसका वीर रस में है और सेकेंड हाफ श्रृंगार रस में है। तो आइए इसे देखते हैं हमारे ही साथी कलाकार भूपाली तांबोली के डेमोंस्ट्रेशन में। हाँ, मैं चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। मेरी ढेर सारी अभिलाषाएं हैं, अनगिनत इच्छाएं हैं, उन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत सपने हैं मेरी आंखों में, जिन्हें मैं साकार होते हुए देखना चाहती हूँ। दिल में इतने अरमान हैं कि उन्हें मैं गिन नहीं सकती, पर चाहती हूँ कि सब पूरे हों। और चाहती ये भी हूँ कि सब जल्दी पूरे हों, जल्दी जल्दी जल्दी, सब्र नहीं और सब्र नहीं। मेरी चाहत है मेरे पास काम हो, मेरे पास खूब काम हो, ढेर सारा पैसा हो, मेरे काम को सब सराहें, मेरी खूब तारीफ हो, मैं चलूं और लोग कहें कि वो देखो एक काबिल औरत जा रही है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे काबिल कहें। मेरी चाहत है प्यार की, अनंत प्रेम की, एक ऐसे शख्स से जो मुझसे बेशुमार प्यार करे, मेरा साथी हो, मेरा हम सफर, मेरे सुख दुख में मेरा पार्टनर। मैं उसे खुशी दूं, वो मुझे खुशी दे, मैं उसके दुख सह लूं, वो मेरी तकलीफों को आधा कर दे। हम दोनों मिलकर संग संग जीवन के इस धूप छांव का मजा लें। मेरी जबरदस्त चाहत है ऐसे प्यार की, जिसमें मैं अपना सब कुछ गंवा दूं, सब कुछ लुटा दूं, सब कुछ समर्पित करूं। तो ये था एक और परफॉर्मेंस। और आज हमने श्रृंगार रस के बारे में थोड़ी सी बातचीत की और आज हमने श्रृंगार रस का थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेशन भी देखा। तो अगले वीडियो में मैं आने वाले रसों के बारे में और चर्चा करूंगा। हालांकि हमने यहाँ थोड़ा सा वीर रस के बारे में भी एक प्रैक्टिकल मोनोलॉग देखा है और आने वाले वीडियोज़ में मैं दूसरे रसों से जुड़े हुए कुछ मोनोलॉग्स
आपको दिखाना चाहूंगा। तो अभी जितने मोनोलॉग्स आपके सामने आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं सीख रहे हैं, वो प्लीज इनको लिखें और घर बैठे इसका अभ्यास करें। अगले सप्ताह तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।